बिहार की हार को लेकर गांधी वाड्रा परिवार पार्टी के अंदर और बाहर दोनों तरफ घिर गई है। पार्टी के 23 नेताओं ने सीधे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इतना ही नहीं, गोवा कांग्रेस अल्पसंख्यक इकाई के अध्यक्ष उरफान मुल्ला ने बिहार में पार्टी की हार का ठीकरा राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पर फोड़ते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। गांधी वाड्रा परिवार के लिए इतना भी होता तो गनीमत होती, लेकिन कांग्रेस के सबसे पुराने सहयोगी आरजेडी ने भी अब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। मतलब कि आरजेडी ने अब कांग्रेस से दूरी बनाने का पूरा फैसला कर लिया है। आरजेडी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी ने जिस अंदाज में कांग्रेस पर हमला किया, वैसा शायद कांग्रेस के साथ कभी हुआ नहीं होगा। शिवानंद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस इस बार चुनाव में महागठबंधन के लिए घातक साबित हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में 70 उम्मीदवार उतारे, लेकिन 70 सार्वजनिक रैलियां भी नहीं की। उन्होंने कहा कि चुनाव अपने चरम पर था और राहुल गांधी शिमला में बहन प्रियंका गांधी के साथ पिकनिक मनाने गए थे। क्या इस तरह से पार्टी चलती है? राहुल और प्रियंका पर यही आरोप लगाते हुए बिहार कांग्रेस के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी भी लिखी है, जो एक तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए खुली चुनौती है। बिहार विधानसभा चुनाव में परिणाम आने के 5 दिन बाद पहली बार आरजेडी की तरफ से हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया गया। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि जब बिहार में चुनाव अपने चरम पर था, तब राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मिलकर शिमला में पिकनिक मना रहे थे। क्या पार्टी ऐसे चलती है? कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, उससे बीजेपी को ही फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग बिहार को जानते नहीं थे, उनके हाथ में प्रचार की कमान थी। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, जबकि प्रियंका गांधी तो आए भी नहीं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस का जोर हमेशा ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का रहता है, लेकिन जिस तरह से चुनाव लड़ते हैं, उससे सहयोगियों को नुकसान ही पहुंचता है। कांग्रेस को अपनी इस रणनीति के विषय में विचार करना चाहिए। पहली बार है जब आरजेडी या महागठबंधन की तरफ से हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया। शिवानंद तिवारी के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी जी के बारे में बिहार में महागठबंधन के सहयोगी पार्टी आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पर्यटक राजनेता हैं। शिवानंद जी तो राहुल जी को ओबामा से ज्यादा जानने लगे हैं, फिर भी कांग्रेस चुप क्यों? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने भी इस बात को कबूल किया कि बिहार में महागठबंधन की हार कांग्रेस की वजह से हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 40 से 45 सीटें जीतनी चाहिए थी, लेकिन हम 19 तक सिमट कर रह गए। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली, आरजेडी को 75 सीटों पर जीत मिली। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसके मात्र 19 प्रत्याशी ही जीतने में सफल रहे। महागठबंधन के सहयोगियों में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब था। कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन लेफ्ट पार्टियों का रहा। लेफ्ट पार्टियों ने 29 सीटों में से 16 सीटें जीती, जिसमें से सबसे अधिक 12 सीटें CPIML ने जीती थी, जो कि 19 सीटों पर खड़ी थी। ये रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।